हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक, जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी दो संख्याएं आपको दे दी हो जिनमें दिया हो योग और गुणनफल, ठीक है। योग भी दे दिया और गुणनफल भी दे दिया हो, उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आइए बच्चों, एकदम आसान तरीके से हम सीखते हैं कि कैसे अगर योग और गुणनफल दिया तो हम द्विघात बहुपद किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। मान लीजिए आपको दे दिया शून्यक, क्या दे दिया, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मान लीजिए बच्चों आपको दे दिया 4, ठीक है। कल मैं इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब देखिए, शून्यकों के योग को हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं बच्चों, लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया हो 5, तो मैं बताया था इसको कि शून्यकों के गुणनफल को हम कैसे, ठीक है, लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, 5 है, ठीक है। ये हमारा शून्यकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये गुणनफल है और यहाँ पे योग लगा है, ठीक है। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, और क्या होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात क्या, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे हम क्या करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है योग कितना दिया है, 4, तो योग की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4, और यहाँ पे एक्स भी होता है, याद रख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, एक्स भी होता है। चलिए यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 4, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ एक्स है तो इसके साथ एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर रख देते हैं 5। देखिए बच्चों ये आपको फार्मूला पता है, तो आप किसी भी, ठीक है, दो शून्यक दियो हो और उसके द्विघात बहुपद पूछते तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5, यह क्या आ गया, एक बहुपद आ गया। कौन सा बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद। हमने इसके पहले बताया कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसके जब कभी एक्स के ऊपर एक्स का, ठीक है, पावर 2 हो तो वह कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है शून्यकों का योग, क्या दे दिया गया है, शून्यकों का योग। यदि शून्यकों का योग आपको दे दिया है मान लीजिए 3, और आपको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको दे देगा 2, और पूछ दे कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 3 तथा शून्यकों का गुणनफल कितना हो, 2 हो, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको फार्मूला हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात क्या, शून्यकों का योग, यहाँ एक्स, और प्लस अल्फा इंटू क्या, बीटा। इसी में आपसे पूछा है द्विघात समीकरण, तो योग क्या है, 3 है। योग क्या है मेरे बच्चों, 3 है, मैं इधर कर दे रहा हूँ, योग 3 है, तो यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और योग कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स, और यहाँ पे प्लस, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। देखिए यह द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे
आपको दे दे शून्य, शून्य को का योग दे दे सिक्स, ठीक है, शून्य को का योग दे दे सिक्स, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यदि बच्चों सिक्स दे दे और क्या दे दे यहाँ पे दे दे शून्य को का, शून्य को का गुणन फल, गुणन फल दे दे सेवन, जिसको हमने कहा अल्फा इंटू बीटा। तो हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, बताया हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का क्या योग इंटू एक्स, फिर यहाँ क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये शून्यकों का योग है, यह शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इतने की वैल्यू कितना है बच्चों सिक्स है, तो यहाँ लिख देंगे छः और यहाँ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस इसका गुणनफल कितना है सात है, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया और ये हमारा छोटा सा फार्मूला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि भाई किस तरह से, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से यह हम एक दो शून्यक दिए हों योग और गुणनफल दिए हों तो हम बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, आपके बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है यदि शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है एक बटे में चार, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया यानी गुणनफल जो दे दिया है वह माइनस का वन दे दिया है, तब ठीक है एक द्विघात क्या करिए बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये शून्यकों का योग एक बटे में चार और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है माइनस एक। तो आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स फिर यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये योग और ये गुणनफल, तो योग कितना है एक बटे चार और गुणनफल कितना है माइनस का एक है। आइए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस इतने की वैल्यू कितना है एक बटे में चार है, तो एक बटे में चार और साथ में एक्स है तो यहाँ पे एक्स रख दे रहे हैं, प्लस इतने की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों माइनस का वन है तो माइनस का वन रख दिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का एक्स बटे में कितना चार, आइए देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस का एक, इतना उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों। और आप जानते हैं कि यहाँ पे चार है तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है एक्स है और इसका इधर गुणा कर देते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। देखिए ये आपको समझ में आ गया, यह एक क्या है द्विघात बहुपद आ गया मेरे बच्चों, यह एक द्विघात बहुपद आ गया कि नहीं, देखिए इसके घात दो है तो यह कौन सा घात है द्विघात बहुपद है, यह आपका फार्मूला, बस आपको फार्मूला याद रखना है कि ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, ठीक है, ये लीजिए पहला क्वेश्चन, अगर योग यानी अल्फा प्लस बीटा यदि शून्यकों का योग दे दिया हो छः और क्या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया हो आठ, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए बच्चों अगर आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में तो क्वेश्चन बनाना सीखिए, जब आप क्वेश्चन बनाना सीखेंगे तब आप आगे निकल जाएंगे, अगर क्वेश्चन खुद से बनाना नहीं सीखेंगे सिर्फ किताब से ही पढ़ेंगे तो आप कभी, आपको सिर्फ टाइप सीखना है, अगर आप एक टाइप सीख लिए हज़ारों क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है, कभी दूसरे के ऊपर ना डिपेंड रहिए, खुद से बनाइए। जैसे यहाँ मूलों का योग, यदि मूलों का योग दे दे तीन और यहाँ मूलों का गुणनफल दे दे, मूलों का गुणनफल दे दे माइनस का दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा करे वो ले लीजिए, मगर आप लोग बच्चे अपने से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, यही आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, खुद से क्वेश्चन बनाना सीखिए, ऐसे ले लीजिए, अब दे दीजिए मूलों का योग दे दे, मूलों का योग दे दे माइनस सात, अब मूलों का गुणनफल दे दे माइनस का दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दे दे आप कर सकते हैं,
आपके लिए हमने सूत्र भी लिखा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का क्या है, सॉरी शून्यकों का योग, क्या दे दे, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग दे दे आप लोगों के लिए, ठीक है, शून्यकों का योग दे दे, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है, प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये बताया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.3, ठीक है, 2.3 में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर बच्चों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उसको आप अपने अनुसार समझ लीजिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, अगर थोड़ी सी लैंग्वेज में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करके अपने अनुसार वीडियो को देखिए, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए बच्चों, ये हम प्रश्नावली 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, निम्नलिखित के भाग देकर, ठीक है, निम्नलिखित में क्या करिए, भाग देकर भागफल तथा शेष फल ज्ञात कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन भागफल दे दिए हों और उसमें आपको क्या, ये हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको समीकरण दे दिया हो और उसमें भाग देकर आपको भागफल तथा शेष फल ज्ञात करना है, जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4x³, ठीक है, फिर यहाँ दे देते हैं प्लस 4x² प्लस 6, ठीक है, एक्स और यहाँ दे दे प्लस का 8, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे और इसमें कह दे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह दे कि आप भाग दीजिए एक्स प्लस 1 का, भाग देकर क्या ज्ञात करिए, भागफल तथा शेष फल। भागफल क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, भागफल जो होता है, जो यहाँ पे आता है वो भागफल होता है, और जो बात लास्ट में बचता है वह शेष फल होता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं क्या करूँ, इसमें ऐसा कौन सा जादू करूँ कि हमें ये दिखने लगे 4, तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि पहले 4 करता हूँ, कितने से 4, यदि मैं 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, 4 दिखेगा, 4 के साथ यहाँ पे हमें x³ भी देखना है, तो जब x³ देखना है तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक x है, और 2x से यदि मैं और गुणा कर दूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो x³ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी करेंगे, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा प्लस का, इसका मल्टीप्लाई इसके, तो क्या हो जाएगा 4x², ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि समान है। अब क्या बच रहा है मेरे बच्चों, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 6x और प्लस में कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा क्या काम करेंगे कि यहाँ 6x दिखने लगे, तो यहाँ पे प्लस लगा के बच्चों 6 करेंगे, जब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ x हो जाएगा, तो 6x, ठीक है, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस का क्या दिखेगा, 6 दिखेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ माइनस लगाते हैं, अब क्या करते हैं, माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल, अब प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है, जब 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। आपसे क्या पूछा है सवाल में, भागफल, तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर कितना, 4x² प्लस का 6, और बच्चों शेष फल कितना आया, यहाँ लिखेंगे शेष फल बराबर कितना, कितना बच गया, 2 बच गया, किसका 2 बच गया, प्लस का 2 भी आप लगा सकते हैं। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए, जैसे मैं ले लिया 10x³ प्लस 8x² प्लस
9 यक्स फिर यहाँ दे दिया गया 10। यदि इसमें आपको डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डिवाइड करना है मान लीजिए आपको 2x+1 से, ठीक है, ऐसा डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या ऐसा काम करें कि यहाँ हमको 10 दिखने लगे। तो बेटा आप जानते हैं कि यदि मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 दुनी के कितना दिखेगा, 10 दिखेगा। फिर मैं इसमें क्या ऐसा काम करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि x के घाते 3 दिखने लगे। तो यहाँ पे एक x ऑलरेडी है तो इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, x2। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो x के घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए बच्चों इसका फिर इसके साथ, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस क्या हो जाएगा, 5x2। अब बच्चों क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है मेरे दोस्तों, माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो बच्चों आप जानते हैं 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x2। अगली संख्या को उतारते हैं, प्लस का 9x, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, इसमें क्या काम करें कि बेटा यहाँ पे 3 दिखने लगे, क्या दिखने लगे, 3 दिखने लगे। इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 3 दिखने लगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी संख्या बटे उटे में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस संख्या का हम गुणा करते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, इसमें हम गुणा करते हैं 6/4 से, और साथ में 6/4 से गुणा करेंगे, और यहाँ x स्क्वायर देखना है तो साथ में 6x/4 से। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, 2x गुणे क्या हो जाएगा, 6x/4। यदि मैं इसका गुणा इसके साथ करूँ तो 6 दुनी के कितना हो जाएगा, 12, और x यहाँ ये हो जाएगा x2/4। यदि मैं 4 से काटूँ तो क्या जाएगा, 4 3 12 आ गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 3x2। तो मैं कितने से गुणा करूँगा, 6x/4 से। तो जब हम 6x/4 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3x2। यदि बच्चों मैं इसमें गुणा किया हूँ तो इसमें भी करूँगा, तो जब इसमें करूँगा तो मेरा कितना आएगा, जरा बताइए, इसमें करेंगे इसका गुणा तो आ जाएगा कितना, 6x/4। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस लगा के, और ये माइनस माइनस, ये कैंसिल, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब देखिए 9 में से 6/ इतने को घटाना पड़ेगा। अब घटाना पड़ेगा तो कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं, यहाँ पे घटा के देखते हैं, 9x-6x/4, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इन दोनों में एक लेकर यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे एक लेकर हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो 9 चौक का कितना हो जाएगा बच्चों, 36x हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों बचेगा कितना, 1 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 6x। फिर 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 30x/4, ठीक है, यानी 30x/ कितना बचेगा, 4। अब ये आपको डाउट होगा कि प्लस लगेगा कि माइनस, तो बच्चों यहाँ देखिए ये वाला ज़्यादा है तो क्या लगेगा, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 30x/4, और अगली संख्या बच्चों क्या है, 10 है, तो इसको इसी पे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, इसी पर इसको छोड़ दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों मेरे, शेष फल कितना आया आपका, जो शेष फल आया वो कितना आया है, पहले भागफल लिखते हैं, भागफल कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया 5x2+6x/4, और शेष फल कितना आ गया मेरे बच्चों, शेष फल,
शेष फल कितना आ गया, शेष फल आ गया 30x/4 प्लस का कितना 10। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतने पे छोड़ देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। आगे कुछ और कर लेते हैं। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन छोटा सा दिया है, अगला क्वेश्चन, यक्स के घाते 3x² + x + 1 इसमें कितने से डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डिवाइड करना है x² - 1 से। किससे डिवाइड करना है, x² - 1 से डिवाइड करना है। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या काम करेंगे कि ये चीज़ दिखने लगे। तो इसमें हम करते हैं x से, जब x का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ x 2 है, तो यहाँ x घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का क्या दिखेगा, x दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस लगा है। अब ये क्या हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इसके साथ का नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, यहाँ x². अब देखिए इसके साथ का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों की ये चीज़ दिखने लगेगा, तो यहाँ पर करेंगे प्लस का 1। जब प्लस के 1 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का x दिखाई देगा, और देखिए साथ में यहाँ 1 बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल, और देखिए ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, क्या बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, 2x, ठीक है 2x। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, ये कटेगा नहीं बच्चों, ये कटेगा नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से ये कटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और सवाल को देखते हैं। ठीक है, और सारे सवाल ढेर सारे दिए हुए हैं। आइए आपके प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या दिया है। अभी तो ये बेसिक चल रहा था, छोटी छोटी चीज़ें, अब प्रश्नावली को देखते हैं। x³ - 3x² फिर प्लस में 5x - 3। ठीक है बच्चों, इसमें डिवाइड कितने से करना है, आपको जो भाग देना है वो देना है x² - 2 से, इतने से भाग देना है। तो लिख लेते हैं, ये पहला सवाल था, तो x³ - 3x² + 5x - 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसे डिवाइड कितने से करना है, x² - 2 से। जब हम इतने से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये बताइए कि इसमें हम क्या करें कि ये चीज़ हमें दिखने लगे। तो यदि मैं x से, किससे बेटा, x से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो x के सर पे यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ कितना दिखने लगेगा, x³। फिर यदि इसका गुणा इसके साथ किए तो इसका गुणा इसके साथ भी होगा, तो माइनस का 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जब ये बेटा प्लस हो जाएगा तो ये देखिए इसके टाइप का दिख रहा है, इसके टाइप का नहीं दिख रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, माइनस का 3x² इतना उतार दिए। अब देखिए बच्चों, ये इसके टाइप का दिख रहा था, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, तो यहाँ हो जाएगा 7x। ठीक है बच्चों, अब क्या उतरेगा, माइनस का 3 साथ में उतार लीजिए। अब इसमें बच्चों क्या काम करेंगे कि यहाँ माइनस का 3 दिखने लगे, तो माइनस के 3 से यदि मैं इसमें गुणा कर दूँ तो कितना दिखने लगेगा, माइनस का 3, और इसके साथ गुणा कर देंगे तो x² यदि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो इसके साथ भी करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी के कितना हो जाएगा,
छः हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का छः, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब देखिए बच्चों ये इसके टाइप का दिख रहा है, और ये प्लस और माइनस क्या दिखेगा, माइनस, और यहाँ ये बच गया तो यहाँ लिख दीजिए सेवन एक्स, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये ऑलरेडी ये माइनस हो गया तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो छः और तीन कितना नौ, माइनस का कितना हो जाएगा नौ। आइए बच्चों अब आपको दिख रहा होगा भाग फल, भाग फल कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स माइनस तीन आ गया, ठीक है भाग फल क्या आ गया एक्स माइनस तीन। और बच्चों शेष फल कितना आया, शेष फल जो आपका शेष फल निकल के आया वो कितना निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, शेष फल देखिए कितना आया, यहाँ आ गया सात एक्स माइनस का नौ। यह प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला था। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ठीक है क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है यक्स के घाते चार माइनस तीन यक्स स्क्वायर प्लस चार यक्स प्लस फाइव, इसमें डिवाइड कितने से करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डिवाइड करना है यक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का यक्स, इतने से डिवाइड करना है। अब बताइए बच्चों इसको डिवाइड तो हम करने के लिए तो ये करने के लिए तो कर लेंगे, बट क्या यहाँ माइनस का यक्स है तो हम इसको इधर ला दें इसको इधर भेज दें तो कोई दिक्कत, यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स प्लस का वन लिख दूँ तो कोई दिक्कत, तो हम इसमें इतने का भाग देते हैं। तो यहाँ करेंगे यक्स के घाते चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस का कितना फाइव, कितने से डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के वन से, ठीक है इतने से डिवाइड करेंगे इसको। अब डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। आइए बच्चों इसमें क्या काम करें, इसमें ऐसा क्या जादू करें कि यक्स घाते चार दिखने लगे, तो बच्चों यहाँ हम कर दें यक्स स्क्वायर, यदि यक्स स्क्वायर से इसमें हम गुणा कर दें तो इसका यदि गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर यानी दो दो, तो यहाँ यक्स घाते कितना हो जाएगा चार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर इसका गुणा यदि हम इसमें करें, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ होगा तो इसके साथ भी होगा तो इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा माइनस का कितना, माइनस का एक्स के घाते कितना तीन, यहाँ दो है तो यहाँ एक, तो एक्स के घाते तीन। फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। आइए बच्चों घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पहले ढूंढते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है, तीन एक्स स्क्वायर है तो इसके तरह का कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है तो ये देखिए ये माइनस है तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बच्चों इसमें देखिए कुछ बच भी रहा है, ये बच रहा है एक्स का सबसे अधिक घातांक पहले देखते हैं, तो सबसे अधिक घाते इसमें कौन दिख रहा है तीन, तो इसमें नहीं ना दिख रहा है तो यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स के घाते पहले लिखेंगे तीन, फिर इसके बाद इसको लाएंगे इसके साथ है। अब देखिए ई प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी ऑलरेडी माइनस है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा तीन एक चार, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस का चार एक्स क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे उतारते हैं इस वाले संख्या को, यहाँ हो जाएगा चार एक्स, ठीक है थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा मगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे बच्चों तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें क्या ऐसा काम करें कि ये दिखाई देने लगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लस में यक्स का करते हैं, जब यहाँ कुछ नहीं यहाँ प्लस दिख रहा है तो प्लस से करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स, यहाँ दो है यहाँ एक तो क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ करेंगे तो यहाँ माइनस, इसके साथ करेंगे तो यक्स के घाते कितना हो जाएगा दो हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस,
इसके साथ करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पांच बचा है, चाहे तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ चार एक्स स्क्वायर में से अगर एक एक्स घट जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, तीन एक्स स्क्वायर, किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ चार एक्स है ऑलरेडी, यहाँ ये माइनस में है, तो जब यहाँ चार एक्स में से एक एक्स घट जाए, क्योंकि इसी की तरह दिख रहा है, यहाँ चार बार एक्स है, यहाँ कितनी बार एक्स है, एक बार है, तो यहाँ बच्चों एक बार है। अगर आपका बेस नहीं मजबूत है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बेस के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं बेस पर एक क्वेश्चन बना दूंगा, कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है, क्या होता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको बेस नहीं मजबूत है तो ये सब सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर बेस पहले पढ़ाइए मुझे। ठीक है, तो बेस पर भी मैं एक वीडियो बता दूंगा, बना दूंगा, जिससे आपको बच्चों अच्छे से आपका बेस मजबूत हो जाए। तो यहाँ देखिए चार में से जब ये जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का तीन एक्स, और बाद साथ में क्या बचेगा, फाइव बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना बच गया, बच गया ना। आगे चलते हैं, इसमें क्या काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे माइनस का तीन दिखने लगे, क्या दिखने लगे, माइनस का तीन दिखने लगे। तो आइए आगे काम करते हैं, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं माइनस के तीन से, कितने से, माइनस के तीन से। जब इसमें माइनस के तीन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का तीन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तीन का गुणा इसमें कर देंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा तीन एक्स। ठीक है, अब देखिए इस माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस, अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और तीन का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। फिर वही काम करते हैं, ठीक है, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये बच्चों कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस और माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों माइनस और प्लस क्या हो जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरे बच्चों, प्लस हो जाता है, तो पाँच और तीन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ भागफल क्या बचा, भागफल, भागफल क्या आ गया मेरे बच्चों, भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का तीन। देखिए यहाँ पे भागफल है तो यहाँ पे हमने भागफल को लिख दिया। अब देखते हैं शेषफल, शेष शेष फल, अब शेष फल क्या बचा, आठ बच गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं आठ, ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों थोड़ा सा वीडियो लेनी तो है, बड़ा है, मगर बच्चों थोड़ा सा आप इसको पॉज कर करके देख लीजिएगा। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि बच्चों आपका बेस कम कमज़ोर है, बेस मजबूत नहीं है, जैसे एक्स गुड़े एक्स गुड़े एक्स, या माइनस एक्स गुड़े माइनस एक्स गुड़े माइनस एक्स, या दो एक्स गुड़े तीन एक्स गुड़े प्लस चार एक्स क्या होगा, अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चों, तो समझिए आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। ठीक है, शून्य से शिखर तक आप लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप का बेस कमज़ोर है तो आप पहले बेस पढ़िए, बेस के लिए आप लोग कमेंट करिए कि हाँ सर मेरा बेस मजबूत नहीं है, कमेंट करिए, हम आपको पहले बेस पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें पहले आपको पढ़ाएंगे। अब बेसिक चीज़ें जो ही आप 10 दिन 15 दिन महीने भर पढ़ लेंगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बेस प्रॉब्लम है, तो आप बेस के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।